टेलीप्राइम की ये वीडियो है पेरोल्स पर संबंधित। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पेरोल क्या होता है और इसकी जो स्लिप है वो कैसे जनरेट की जाती है। तो बेसिकली पेरोल होता है कि जो भी बंदे हमारी कंपनी में काम करते हैं उनका जो पे स्लिप होता है मंथली का, वो कैसे बनता है, कैसे जनरेट किया जाता है। तो उसके लिए कुछ बेसिक हेड्स वगैरह, कुछ लेजर्स बनाने होते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर पेरोल की, हम लोग एक नई एंट्री करते हैं और इसमें पहले कंपनी एक यहाँ पर जनरेट कर लेंगे, बना लेंगे हम पेरोल के नाम से ही कंपनी बना लेंगे नई। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उसका नाम रख लेंगे पेरोल, और इसको ज़्यादा कुछ फिल करना नहीं है यहाँ पर, बस डायरेक्ट करते जाइए आप लोग। जो भी स्टेट है आपका, जो भी कुछ है, जैसे दिल्ली मान लीजिए इंडिया, फिर आप लोग टेलीफोन नंबर वगैरह डाल लें तो ठीक है। और इसको आप लोग यहाँ पर जो भी कंडीशन है उसको यस करते हुए चले जाएं, और यहाँ पर आप ये जो एक्टिवेट है इसको सो एक्टिवेट कर दें, और नीचे सबसे नीचे जाके पेरोल होता है तो पेरोल को आप लोग डबल क्लिक करके उसको इनेबल कर लें। और इसके बाद में यहाँ पर जो भी आपको लेज़र बनाने हैं उसको एस्केप करके बाहर निकल जाएंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पर लेज़र बनेंगे हमारे। और पेरोल मास्टर्स पहले हम तैयार करेंगे, तो ये सारे ही बारी बारी से करेंगे, एम्प्लॉय ग्रुप भी, और फिर सारी चीज़ बनाएंगे। फिर पहले हम ग्रुप बना लेते हैं यहाँ पर, एम्प्लॉय ग्रुप कैसे जनरेट किया जाता है। तो ये ग्रुप कई तरीके के होते हैं, आप लोग इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं बाद में, लेकिन हम लोग अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से बनाएंगे। तो सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, फिर आपका इसको आप लोग डिफाइंड सैलरी को यस भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ नो रहने देंगे। अगर आपको डिफाइंड सैलरी करनी हो तो फिर यहाँ पर हम MKT मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना देंगे, और इसके बाद में यहाँ पर आपका और भी जो आपको ग्रुप बनाने वो बना सकते हैं, लेकिन मेरे लिए दो ही काफ़ी हैं। तो फिर मैं यहाँ पर यूनिट बना लेता हूँ। यूनिट बनाने के लिए वहाँ सिंपल रहने देंगे, और यहाँ इसको जो सिंबल है उसमें आप लोग यहाँ पर मिनट एंड MIN लिखेंगे, तो पूरा ही यहाँ पर फॉर्मली मिनट्स लिख देंगे। और इसके बाद में यहाँ पर कोड ले लेंगे मिनट्स का ही, तो और नहीं लेना है तो आप लोग कोई बात नहीं, यहाँ पर इसको नॉट एप्लीकेबल करके निकल जाइए। इसके बाद में फिर HRS, और फिर इसका लिख देंगे आर्श, एंड इसको भी नॉट एप्लीकेबल करके निकल जाएंगे। और इसके बाद में आप लोग चले जाएंगे यहाँ पर कंपाउंडिंग करेंगे यूनिट, तो यहाँ पर जो आर्स है इसका 16 सेंस जो सेकंड है वो भी आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद में आप लोग एस्केप करके बाहर निकल जाएंगे, और इसकी अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाएंगे। इसके लिए जो यूज़र होता है वो आप लोग जैसे छुट्टियां होती हैं, एब्सेंट होता है, या जो भी कुछ है वो आप लोग सारा कुछ बना लेंगे। अंडर ज़रूर देखते जाएंगे यहाँ पर कि आपका ये जो अटेंडेंस टाइप है वो कौन सी है, लीव, तो लीव विदाउट पे रहेगा यहाँ पर डेज, उसमें डेज रहेगा नीचे। आप जी ध्यान से करना है, अब आप इसमें कोई भी गलती कर दोगे तो फिर वो गलती आगे तक चली जाएगी, फिर आपको ये जो एंट्री है वो होगी नहीं ढंग से। यहाँ पर प्रोडक्शन आएगा, और ओवर टाइम किसके हिसाब से करना चाह रहे हो आप लोग, प्रोडक्शन पर करना हो या किस पर कर रहे हो, तो वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। आप यहाँ पर कंपाउंडिंग यूनिट डालेंगे, जिससे कि यहाँ पर घंटा और मिनट दोनों ही शामिल की जा सकें। इसके बाद में हम इसको एस्केप करके बाहर निकलेंगे, और फिर यहाँ पर पे हेड्स बना लेंगे। पे हेड्स बनाने के लिए आप लोग यहाँ पर पे हेड्स क्या होता है, जो हम लोग आगे जो सैलरी वगैरह लेंगे ना वो सारी चीज़ बना लेंगे। बेसिक सैलरी है, DA है, PF है, और TA है, ये सारे हमारे पे हेड्स के अंतर्गत आते हैं। तो जो सैलरी होती है तो आपको पता है वो अर्निंग ऑफ 4 एम्प्लॉय होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये
आपकी वेरिएबल भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है। तो जहाँ तक मेरा मानना है तो जो सैलरी जो है वो किसी भी बंदे की, आप लोग दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर सकते हो, लेकिन फिक्स्ड ही कर दो, क्योंकि बेसिक सैलरी जो होती है वो फिक्स ही करते हैं, वैसे बढ़ती है वो, लेकिन जब डी मतलब कोई भी सर्कुलर वगैरह आ जाता है तब बढ़ती है। तो इसके लिए यहाँ पे फिक्स कर दें, फिर इसको जो भी जो कंपनी का ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेके फिर आप लोग इसको यस एंटर एंटर करके निकल जाएंगे। अब ये कैलकुलेशन टाइप कौन सी करेंगे आप लोग, देखिए यहाँ पर एज यूजर डिफाइंड वैल्यू के अनुसार करेंगे और फिर इसको एंटर करके बाहर निकल जाएंगे, डीए बना लेंगे। डीए में भी वही अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज फिक्स्ड या वेरिएबल, तो ये तो फिक्स ही करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर इसको नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा ये भी, क्योंकि ये भी खर्चा ही है। तो इसको एज यूजर डिफाइंड कंपाउंड वैल्यू में करेंगे इसको, और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग करेंगे, और इसके बाद में नॉर्मल राउंडिंग के बाद में यहाँ पर ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला करेंगे, इसमें बेसिक पे ले लेंगे पे हेड्स के अंदर, एड पे हेड, ये थोड़ा ध्यान से करना, राउंडिंग नॉर्मल करना है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला पर बेसिक सैलरी लेना है, फिर यहाँ आपको ये स्टार्टिंग करना है कि डीए जो है वो कितना है, तो अगर 35,000 होते हैं तो वहाँ पर कितना परसेंट वैल्यू पर वो 8% 35,000 से, अगर वो अधिक होता है तो फिर वहाँ पर 5% लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे आप लोग इसको फिक्स भी करके निकल सकते हैं, देखिए 35,000 पर वो यहाँ पर 8% होगा। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग टीए ले लेंगे, टीए तो टीए होता है ट्रेवलिंग अनाउंसमेंट यात्रा भत्ता, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा, और इसको कंपाउंड करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग लेंगे और फिर पे हेड्स में बेसिक पे, और इसके बाद में यहाँ पर आप बेसिक सैलरी निकलने के बाद में आप लोग टीए कितना है, वही डीए की तरह ही आप लोग 35,000 लिया है, तो यहाँ भी 35,000 पर कितना परसेंट करना चाहते हो वो करके यहाँ पर आप लोग निकल जाएंगे। या फिर आप लोग वैल्यू है कितनी 35,000 की, कितनी वैल्यू मतलब जो टीए है वो कितना मिलता है, तो 1,000 रुपये मिलेंगे, या परसेंटेज लगाना चाहते हो तो परसेंटेज भी हो जाता है, ये दोनों कर सकते हो। 35,000 से अधिक के लिए यहाँ पर 2,000 है, और यहाँ पर एचआरए हाउस रेंट अलाउंसमेंट या घर का किराया भत्ता ये फिक्स है, और ये भी एक्सपेंस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, कंपाउंडिंग करेंगे मंथ में करेंगे, नॉर्मल राउंडिंग रहने देंगे, पीयर्स में सेलेक्ट बेसिक सैलरी कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर 35,000 करेंगे, इसमें जो परसेंटेज है वो 7% देंगे यहाँ पर, और फिर आपका नीचे 6% देके निकल जाएंगे। बाद में आप लोग इसमें चलेंगे तो यहाँ पर जो पीएफ है, जो फंड है, जो पैसा हमारी सैलरी से कटता है और ये बाद में जमा हो जाता है, तो ये बाद में हमें मिलता है, तो डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज करेंट लाइबिलिटीज होगी ये एम्प्लॉय के ऊपर, कंपाउंडिंग करेंगे वैल्यू में, नॉर्मल राउंडिंग करेंगे और बेसिक सैलरी यहाँ ले लेंगे। इसके बाद ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला करेंगे वहाँ पे, और इसके बाद में परसेंटेज ले लेंगे इसमें कितना परसेंट आपका पीएफ कट रहा है, और तो यहाँ पर 7 और 3% कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर फटाफट ईएसआई भी कर लेंगे, ये भी आपका डिडक्शन होता है सैलरी से, होता है डिडक्शन फ्रॉम द एम्प्लॉयज, और ये भी आपका करंट लाइबिलिटीज होगा, और ईएसआई वगैरह कर लेंगे इसको एज कंपाउंडिंग करेंगे, राउंडिंग नॉर्मल राउंडिंग करेंगे, और इसका यहाँ पर बेसिक सैलरी करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग और 4% और 2% ले लेंगे, इसको फटाफट से करना है क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी अगर इसको धीरे धीरे करेंगे, तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो फिर इस वजह से यहाँ पर फटाफट से करना है सारी चीज़। और जो भी आपका रिमबर्समेंट है वो आपका यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का होता है ये, और इसको भी हम लोग ले लेंगे क्योंकि इसका भी हमने पहले यहाँ पर पीएड्स बना चुके हैं हम लोग, और इसको लेने के लिए आप लोग यहाँ पर एंटर करेंगे, और पे हेड्स टाइप में ये
जो हम सैलरी जो भी हम लोग बनाते हैं ना, तो सब लिस्ट आ जाती है बनाते जाते हैं जो भी पीछे। तो अब लोग आप इसको फिक्स करना चाहते हो या वेरिएबल करना चाहते हो, ये कंपनी के ऊपर है, तो वेरिएबल ही हम इसको कर देंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर न करके इसको डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए फैक्ट नेट सैलरी यस, और जो भी पे स्लिप पे आपका नाम क्या दिखाई देगा, तो यूजर डिफाइंड वैल्यू करेंगे यहाँ पर। देखिए मिलाते हुए जाना है, आप कोई भी थोड़ी सी गलती कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो होगा नहीं, बोनस बोनस अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज होगा, डिडक्शन नहीं होगा। ये फिक्स या वेरिएबल है कितना है बोनस, तो आप लोग वेरिएबल भी हो सकता है कितना ही दे सकते हैं बोनस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस है कंपनी के लिए। और यहाँ पर जो भी है फ्लैट रेट करना चाहते हैं, या फिर फ्लैट रेट ही होगा ये, तो जैसे कि 2,000 5,000 ऐसे करके देते हैं इसको, तो मंथ में देते हैं या वीक में या साल में या डेज में, तो आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके जो राउंडिंग मेथड जो होगा वो यहाँ पर मंथ के बाद नॉट एप्लीकेबल करके निकल जाएंगे यहाँ को इसको। और इसके बाद में यहाँ पर हम लोग एक लीव का भी बना लेंगे, लीव लीव डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज में होगा, क्योंकि वो उसकी सैलरी कटेगी ना। तो अब इसका यहाँ पर करेंट लाइबिलिटीज होगा अंडर में, और इसका जो कैलकुलेशन टाइप होगा वो अटेंडेंस पे होगा, तो ऑन अटेंडेंस कर देंगे। इसके बाद लीव यहाँ पर आ ही जाएगा, लीव विदाउट पे, लीव डेज में होगा ये। और इसको राउंडिंग जो मेथड आएगा इसका, वो आप लोग यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर लेंगे और इसको एक्सेप्ट करके बाहर निकल जाएंगे। और इसके बाद में ओवर टाइम भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी में ओवर टाइम भी मिलता है, तो वो तो कंपनी का जो वो है बंदे का अर्निंग है, तो अर्निंग फॉर द एम्प्लॉयज एंड वेरिएबल होता है कितने घंटे का कर रहे हो, तो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा कंपनी का। एंड ये ऑन प्रोडक्शन पे होगा, क्योंकि कितना प्रोडक्शन कर रहा है। ओवर टाइम यहाँ पर हम लोग पहले बना चुका थे हम लोग, तो कंपाउंडिंग वाला ओवर टाइम जो है एचआर एंडमेंट्स वो ले लेंगे, और यहाँ पर राउंडिंग में नॉट एप्लीकेबल करके निकल जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो भी हम लोग आगे बना रहे हैं, तो पे हेड्स में आप लोग सैलरी पेबल भी बना लेंगे, और यहाँ इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे करंट लाइबिलिटीज के बाद, एक्सेप्ट करके बाहर निकल जाएंगे। और इसके बाद में यहाँ पर हम लोग जाएंगे पे एक्सेप्ट करके पेरोल वाउचर टाइप पे, पेरोल वाउचर, अब हम लोग पेरोल वाउचर तैयार करेंगे। तो आप लोग ये जो सारी जो एंट्री चल रही है हमारी पूरी सब एंट्री, इसको बहुत ही ध्यान से बनाना है। सैलरी स्लिप के नाम से एक बनाएंगे वाउचर, और इसमें पेरोल भर लेंगे, और ये सारी चीज़ ना बिल्कुल मिलाते हुए यस, जहाँ मैंने यस नो किया है वहीं पर आपको यस और नो करना है। और इसकी नेम ऑफ क्लास जो है वो भी फिल करनी है, सैलरी स्लिप यहाँ पर भरनी है आपको। और इसके बाद ये भी बिल्कुल सेम करना है, सैलरी पेबल। और तो इसको आपको ना जल्दी जल्दी वीडियो को नहीं देखना है, एस्केप करके देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला आपका। एम्प्लॉयज़ बना लेंगे यहाँ पर, एम्प्लॉयज़ हम लोग दो तीन या जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आपके, जितने भी ग्रुप हैं, तो उनको हम बना लेंगे, जिससे कि जिनकी सैलरी स्लिप बना रहे हैं। तो अमन कुमार ले लिया यहाँ पर, इसको अंडर में ये किस ग्रुप में आते हैं, मार्केटिंग है सेल्स है क्या है, तो अभी जो भी जिस डिपार्टमेंट के ही अमन कुमार हैं, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हैं, तो उसको लगा दिया। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर देंगे इनकी कब से हुई है, और डिफाइन सैलरी डिटेल जो भी है आपको करनी है तो आप यहाँ से यस करें। और इसके बाद में सारा कुछ भर लेंगे, बेसिक सैलरी कितना है और वो सब कुछ आ जाएगा जो हम पीछे भर के आए, रेट आपको भरने फिल, तो बोनस भी डाल दिया आपने पर मंथ कितना करना है, एचआरए वगैरह वो सब कुछ उसके हो जाएगा, लीव कितनी आपका करना है और साल का है, इसके बाद ओवर टाइम कितने घंटे किया है उसने, टीए वगैरह कुछ भी, यहाँ सब कुछ भर देना आपको जो कुछ भी है, जो देना है सो, नहीं देना है तो उसको खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पर ये पूरी डिटेल आपको फिल करनी है, मतलब एम्प्लॉय नंबर कौन सा है, डेस्टिनेशन कौन नहीं है, डेस्टिनेशन क्या है और फंक्शन क्या करता है वो बंदा, और लोकेशन क्या है, जेंडर क्या है, तो सब फिल कर देना है आपको सारा कुछ। इसके बाद में आपका यहाँ पर इसको ब्लड ग्रुप वगैरह जो भी है डालना है डाल दो आप लोग,
ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि कोई फिक्स होना चाहिए। और दीपक कुमार, यहाँ पर पिताजी का नाम क्या है इनके का, अमन कुमार के का, और स्पाउस नेम भी है कोई तो डाल लो आप मीनाक्षी। एंड एड्रेस यहाँ पर, अब एड्रेस जो फुल एड्रेस होता है उनका, जो भी इम्प्लॉय का एड्रेस है वो डालना होगा। तो ये सारी चीज़ फिल करनी पड़ेंगी आपको, ऐसा नहीं है कि इसमें आप लोग कुछ भी छोड़ दो। तो नंबर भी आपको डालने पड़ेंगे, मोबाइल नंबर भी डालना पड़ेगा, और मेल आईडी है तो उसको भी आप लोग डाल दें। वैसे आप लोग की मर्जी है, आप लोग डालें ना डालें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बैंक अकाउंट भी देना होगा, तो अकाउंट नंबर दे दीजिए, आईएफएससी कोड दे दीजिए यहाँ पे, और बैंक नेम भी देना होगा, ब्रांच का नाम भी देना होगा, तो सारा कुछ ही भरना पड़ेगा। देखिए लंबी एंट्री है क्योंकि ये एक फाइनल रिजल्ट देती है, इसलिए टाइम तो देना पड़ेगा इसमें, और आपको देखनी पड़ेगी, बिना स्किप किए हुए देखनी पड़ेगी। अकाउंट नंबर दे दिया, SBIN का IFSC कोड दे दिया, बैंक का जो नाम है वो भी आपको, अगर जैसे क्रिएट नहीं है तो क्रिएट कर लीजिए, न्यू बैंक बना लीजिए, SBI बैंक आप लोग बना के तब यहाँ से चलें आगे। ब्रांच कहाँ है, संत नगर है, क्या है, जो भी आपके एरिया की हो, आप लोग उसमें किस टाइप से जो ट्रांजेक्शन है करना चाहते हैं, चेक देना चाहते हैं या कोई आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र ही करते हैं आजकल तो, सैलरी ट्रांसफ़र होती है। इसके बाद में यहाँ पर इनकम टैक्स नंबर और ये आप लोग डाल दें सारा कुछ, ये सारा कुछ डालना ही पड़ेगा आपको। तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ वीडियो फिर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही टाइम खराब हो रहा है वीडियो में। चलिए फटाफट से जल्दी जल्दी देख लीजिए, और ये डिटेल पूरी भरनी पड़ती है, क्योंकि अब तो आप एक बार भरेंगे तो ये बार बार आती रहेंगी, हर मंथ एक मही फर्स्ट टाइम तो ये आपको, जो भी बंदा जॉब के लिए आता है ना तो उसको तभी भर देते हैं। तो अकाउंटेंट का काम भी यही होता है कि एक पेरोल वाउचर पे अलग बंदा होता है, तो ये सारी चीज़ें पड़ता रहता है। इसके बाद में यहाँ पर जो दूसरे एम्प्लॉय हैं, एक तो हो गए मार्केटिंग वाले, एक सेल्स वाले, तो उनका भी आप लोग दीपक कुमार करके या दीपक यादव करके ऐसे डाल देंगे नाम, अंडर में यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट डाल देंगे, और फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देंगे इनकी। डेट चेंज नहीं करनी है क्योंकि अपना एजुकेशनल वर्जन है, तो 1 अप्रैल 2021 ही रखना है। इसके बाद यस करो इसको और बेसिक पे कर दो। इसके बाद में यहाँ पर बोनस और फिर DA HRA वेचारे जितना कुछ है वो आप लोगों को कर दो, लीव वगैरह डाल के, ओवर टाइम, और इनका TA वगैरह करके छोड़ दो। इनकी भी सारी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी, तो चलिए मैं फिल कर लेता हूँ इसको फटाफट से। ये बिल्कुल पीछे ही है, पीछे की तरह सेम ऐसे ही करना है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम ख़राब करना नहीं वीडियो में, और बस ज़्यादा नहीं एस्केप करके बाहर निकलना है। अब ज़्यादा लंबी एंट्री नहीं है, बस परिणाम आने वाला है, और अटेंडेंस सारा कुछ हो गया, वाउचर में ले लेंगे, पेरोल कर लेंगे, और पेरोल करने के बाद में यहाँ पर अटेंडेंस ले लेंगे। अटेंडेंस लेने के बाद में यहाँ पर अमन कुमार कितने दिन ड्यूटी करी, तो तारीख एक ही रहने दें या लास्ट महीने की, हाँ पूरा महीना किया है उन्होंने जॉब, तो आप लोग लास्ट तारीख लेंगे 31 अमन कुमार की। और यहाँ पर इनका जो भी लीव रहा है, ओवर टाइम रहा है, वो भी आप लोग फिल करते जाएं। और अमन कुमार का ओवर टाइम कितना दिन रहा है, दीपक कुमार की यहाँ पर लीव कितनी रही है और ओवर टाइम कितना रहा है, आपको बस यही फिल करना है, ड्यूटी कितनी रही है। इसके बाद में ऑटोमेटिकली सारी चीज़ निकल के आएगी, क्योंकि पेरोल का मतलब यही होता है, पेरोल में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको करना पड़े, सैलरी स्लिप कर लेंगे, और वाउचर टैब में सैलरी स्लिप, और फिर यहाँ पर आप लोग अब ऑटोफिल करेंगे, यहाँ पर जो भी बनानी होती है तो उसके लिए ऑटोफिल करते हैं। ऑटोफिल करने के बाद यहाँ पर पेरोल ऑटोफिल कर लेंगे,
और इसके बाद में आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे, सैलरी स्लिप, सैलरी स्लिप, और यहाँ पर यूज़र डिफाइंड एंड कब से कब तक का उनका जो आपको बनानी है, तो 1/5 से 31/5 तक ही बनाएंगे। ऑल आइटम, एम्प्लॉय ग्रुप वगैरह कौन सा है, क्या है, या सब कुछ लेना है, सॉर्ट बाई एम्प्लॉय नेम या फिर नंबर्स ओनली, तो आप लोगों का नाम ले लिए। तो अब आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ फिल करना नहीं है सैलरी स्लिप के लिए, सैलरी डालनी है कितनी मिल रही है उनका, और आपको उनका जो रिमबर्समेंट है वो भी डाल देना बस। तो आप लोगों ने ये डाल दिया, इसको डालने के बाद में आपका इसको एक्सेप्ट करके निकल जाएंगे, और यहाँ पे ऑटो फिल करना है, फिर दूसरा जो है वो बंदे का नाम लेना है, और इसके बाद में यहाँ पे इनका भी यही सेम रहने देना है, इसको सैलरी पेबल लेना है उसका अकाउंट में, और इसको भी आपको एक्सेप्ट कर देना है, एस्केप करना है फिर, और फिर आपको डिस्प्ले कर लेना है यहाँ पर पेरोल, पेरोल ये पे स्लिप या क्या तुमको निकालना है, जो कुछ निकालना है वो सारा कुछ। अमन कुमार का निकालना है तो अमन कुमार ले लीजिए, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आप कि टोटल इनका जो भी हमने फिल किया था जिस तरीके से, तो वो स्लिप निकल के आ गई है। तो ऐसे ही यहाँ पर सैलरी स्लिप निकल के आती है सभी बंदों की, आप देख सकते हैं पूरा जो भी फिल किया था वो सब कुछ आ गया, लीव कितनी है और 5 डेज, अभी ओवर टाइम कितना है तो 45 घंटे का है। अब इसके हिसाब से ही यहाँ पर सैलरी बनी है, सैलरी में सैलरी है तो सही, बोनस अभी कितना हुआ, डीए कितना बना, इसके बाद यहाँ पर डीए इसके हिसाब से बना है, ठीक है ना, परसेंटेज लगाई थी ना वहाँ पर। तो इसके बाद में यहाँ पर एचआरए तो फिक्स ही डाला था, ओवर टाइम भी यहाँ पर हिसाब इसके हिसाब से कटा है 46 घंटे के 45 घंटे के हिसाब से, और रिमबर्समेंट भी यहाँ पर फिक्स था और टीए यहाँ पर फिक्स था। अब अमाउंट यहाँ पर टोटल इधर हम लोग जो कितना आएगा, ईएसआई, लीव, पीएफ वगैरह कितना हुआ, सारा कुछ टोटल अर्निंग यहाँ पर कितनी हुई नीचे आ जाएगी, बिल्कुल टोटल अर्निंग कितनी हुई यहाँ पर आ जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ग्रॉस सैलरी और अमाउंट दोनों चीज़ निकल के आ रही हैं, जो भी इनका ईएसआई और लीव और पीएफ है वो कट जाएगा, वो कटने के बाद में जो सैलरी आई है वो भी आपको नीचे मिल जाएगी, जो कि 46,160 रुपये इनका बनता है, और जो डिडक्शन है वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, जो इनकी मंथ की सैलरी में से डिडक्ट होंगे। तो यहाँ पर आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ही टाइम ज़ाया होता है। आप लोग यहाँ पर इसको प्रीव्यू कर लें, प्रिंट करने के लिए प्रिंट करें, आप चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से प्रीव्यू कर सकते हैं, और अपना प्रिंटर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसको जूम भी कर सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से यहाँ देखिए आपकी सैलरी स्लिप निकल के आ गई है, और इस तरीके से आपने अमन कुमार की निकाली है, ऐसे ही यादव जी की भी निकाल सकते हैं, दोनों की आप लोग देख सकते हैं पूरा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी कर दें।